बाबा भोले की महिमा अपरंपार है। पवित्र श्रावणी मेला में कांवरिए अपने कंधे पर कावड़ रखकर सुल्तानगंज से जल भरकर देवघर आते हैं और बाबा को जल अर्पित करते हैं। कांवड़ की महिमा का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कांवड़ यात्रा करने से उतने ही पुण्य की प्राप्ति होती है जितना अश्वमेघ यज्ञ करने में होता है। कांवड़ को लेकर चलने में कई नियमों का पालन करना पड़ता है और इसमें शुद्धता का भी काफी ख्याल रखा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम और रावण के द्वारा भी कांवड़ लाया गया था और श्रवण कुमार ने भी कांवड़ में अपने माता पिता को यात्रा कराई थी। बता दें कि कांवड़ यात्रा की महिमा बहुत पुरानी है और कथाओं के मुताबिक रावण पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से राजा राम के राज्य अभिषेक के बाद भगवान राम पत्नी सीता और तीनों भाइयों के सहित सुल्तानगंज से जल भरकर शिव को अर्पित किया था। तभी से शिव भक्त यहाँ जल अभिषेक करते हैं। बोलिए, उनसे भी पूछेंगे, आप भी बोलिए। जल उठा के हम सुल्तानगंज से जल उठाते हैं और वहाँ से हम बाबा धाम की और आते हैं कांवड़ यात्रा करने के। कांवड़ कैसे लेकर? सुल्तानगंज में कांवड़ हम लोग लेते हैं, वहाँ से सजाते हैं कांवड़ को, घुंघरू उंगरू घंटी वंटी सब नाग वगैरह ये सब लेके, और हम बाबा का नाम लेके हर हर महादेव बोल बम हुए बाबा के द्वार आ जाते हैं। कितना उत्साहित रहते हैं, बोल बम का नारा लेके हम निकलते हैं बाबा के दरबार पे और आ जाते हैं। थकान भी महसूस नहीं होता? आने का तो 15 साल हो गया और जब आते हैं तो बहुत ही उत्साहित रहते हैं और ऐसे कोई कष्ट पीड़ा तो बहुत ही सारा है रास्ता पे, लेकिन सब दर्द एक बार जल डाले सब दर्द चला जाता है। साल भर बाबा का इंतजार ही इंतजार होता है कि सावन आए और अपने कैसे जाएं। कांवड़ लेकर आते हैं सुल्तानगंज से, कांवड़ लेते हैं, वहाँ बहुत सारे दुकानों में कांवड़ सजाने का अलग अलग, सब अलग अलग अपने अपने दुकानों में रखे हैं, सब अपने सजाते हैं, हम लोग सब जितना इच्छा है उतना सजाना पड़ता है। कांवड़ यात्रा का बड़ा ही महत्वपूर्ण ये है और खास करके गंगा जिसे स्नान करके गंगा जल भर करके कांवड़ में उपद यात्रा कांवड़ यात्रा लेकर के नमः शिवाय बोल बम इस तरह करते हुए वह शिव जी का भजन कीर्तन करते हुए और यहां पर आते हैं और सब जगह इसी तरह का है, गंगा जी से स्नान करके और पद यात्रा करके शिव जी का नाम लेते हुए और शिव जी को गंगा जल अर्पण करते हैं। इसी को कांवड़ कामद कांवर मतलब हर तरह का मनोकामना वह पूर्ण करते हैं, कामद कांवर नाम पड़ा उसका, तो वह कांवर यात्रा इसलिए करते हैं। खास करके श्रावण मास में कांवर यात्रा का विशेष महत्व है।